सबसे पहले हम जाके गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल आखिरी सेल आके बचा है, और वो भी जो है ना टिप टिप कर रहा है। आइए चलते हैं, सबसे पहले गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं। गाड़ी में पेट्रोल डलवा के फिर मैंने जाना है होंडा के क्लेम सेंटर, क्योंकि मैंने वो अपनी एक बाइक ली थी 70, वो खड़ी ही रहती है, मेरे यूज़ में नहीं रहती इतना, तो उसका खड़े खड़े ना कोई पार्ट्स का इशू हो गया। पार्ट्स का मतलब इशू ये हुआ है कि उसके ना कुछ चीज़ों पे जंग लगना शुरू हो गया। जंग मतलब जो सिल्वर की चीज़ें होती है ना, वो नमी की वजह से ना वो थोड़ी थोड़ी भुरभुरी यानी कि वाइट सा जंग लगना उस पर शुरू हो गया। तो चल के आज सबसे पहले गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डलवा के फिर जाते हैं उधर होंडा के क्लेम सेंटर। तो यहाँ से मैं अब निकल रहा हूँ सुल्तान टाउन से। कैमरा करते 2 सेकंड के लिए बंद, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो मैं यहाँ से निकल लूँ फिर आपको आगे बताऊँ। अस्सलाम वालेकुम, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। फिर करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो शुरू। तो यहाँ पेट्रोल डलवाता हूँ टोटल के पंप से, क्योंकि टोटल के पंप की एवरेज बहुत अच्छी होती है, और मैं पहुँचने वाला हूँ टोटल के पंप पे, जहाँ के वहाँ से गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं फिर जाते हैं होंडा के क्लेम सेंटर। अच्छा याद रहे, मैंने 3 होंडा के शोरूम पर गया हूँ, कोई नहीं मुझे क्लेम करके दे रहा था, कहता जी फलां शोरूम पे भेजा है, फलां शोरूम पे, फलां शोरूम पे। इस तरह मुझे उन्होंने 3-4 शोरूम्स पे भेजा है, उनमें से एक शोरूम ये भी है, ये सामने इस पे भी भेजा था, इन्होंने कहा जी क्लेम हमारे पास नहीं हो सकता। अच्छा टोटल का पंप आ गया, मैं यहाँ से पेट्रोल डलवा लूँ, तो फिर चलते हैं होंडा के क्लेम सेंटर। मेहरबानी। आधी टैंकी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, आज की महंगाई के दौर में आधी टैंकी हो गई है जी। तो पेट्रोल डलवा लिया गाड़ी में अल्हम्दुलिल्लाह, अब निकल रहे हैं होंडा के क्लेम सेंटर जी। तो एक बाइक का ये मसला है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें ये शॉफी यहाँ से सारी ख़राब हो गई है, दूसरा इसका होंडा का लोगो ख़राब हो गया, ये चेक करें आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे भी जंग लग गई है, नट वगैरह जंग यूज हो गया है। इसका जो बैक टायर है ये देखें, अभी 2000 भी नहीं चला, न्यू टायर है बिल्कुल, ये टायर टेढ़ा है, गाड़ी बबलिंग करती है, ये इसमें मसले आ गए। इसका जो हब है इस पर भी थोड़ा थोड़ा सा जिंगाल आ गया है। बाइक अभी चली है 2344 किलोमीटर, और ये देखें शीशा भी ख़राब हो गया इसका, ये जेन्युइन है हर चीज़, इतना बाइक यूज़ भी नहीं होती जितना ये ख़राब हो गई है। ये देखें, ये ज़रा आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि यहाँ पे ये देखें, ये रिम पे टोटल जंग आ गया, ये टोटल पे जंग है। तो मैं होंडा के शोरूम से हो आया हूँ,
होंडा के शोरूम वाले ने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई अच्छी बात नहीं की, किसी ने सीधे मुँह बात सुनी नहीं। होंडा की जो है ना सर्विस है वो इतना घटिया है आप सोच नहीं सकते। मैं आपको बताऊं कि मैंने उनको बताया कि मैंने कहा ये शॉक ख़राब हो गई, तो वो कहते हैं ये फुट रेस्ट लगे हुए हैं इसकी वजह से आपका कोई क्लेम नहीं हो सकता। मैंने कहा टायर का मसला है, टायर तो जेन्युइन मसला है ना, एक वो टेढ़ा है, शुरू का टेढ़ा है। तो वो कहते हैं जी टायर का ये है कि टायर पंचर तो नहीं है। उसने कहा जी टायर पंचर तो नहीं है। मैंने कहा एक बार हुआ था वो भी टायर की वजह से, मैंने एक एक दफ़ा पंचर हुआ था तो मैंने उसको पंचर लगवाने के लिए वो खुलवाया, तो कारीगर ने कहा जी इसकी जो है ना मसला है, टायर का मसला है, आप टायर इसका चेंज कराएं। तो मैंने कहा एक पंचर हुआ था लेकिन वो टायर की ही वजह से हुआ था, जिसकी वजह से मतलब कि मुझे पंचर लगवाना पड़ा मजबूरन, और यहाँ पे मैं ले आया बाइक जिसकी वजह से पंचर लगवाना पड़ा, नहीं तो मैं यहाँ पे बाइक कैसे ले गया था। उसने कहा नहीं जी हम कोई ज़िम्मेवार नहीं है, आपका टायर पंचर है तो ये कंपनी आपको नहीं क्लेम दे सकती। तो लिहाजा मुझे किसी किस्म की कोई चीज़ की उन्होंने क्लेम नहीं दिया। तो फ्रॉड है, आप सोच समझ के जब भी बाइक लें आप सोच समझ के लें, आप देख लें कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपने अगर कोई क्लेम करवाना भी है ना, तो आपके आप जब होंडा के सेंटर या कोई भी किसी भी किस्म की बाइक है ना उसके सेंटर जाएं, तो जो फुटरेस्ट वगैरह हैं, जो ऊपर एक्स्ट्रा सामान आपने लगाया है, वो आपने उतार के रख देना है। अगर आपके टायर को पंचर है तो वो पंचर आपने ट्यूब चेंज करवा देनी है, और उनको बोलना है कि नहीं जी पंचर नहीं हुआ था, ये जेन्युइन इसका मसला है। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।